मार्केट जैसी सॉफ्ट टेस्टी आइसक्रीम, वो भी घर में, क्यों नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे एक रिक्वेस्टेड रेसिपी, किट जैसी सॉफ्ट टेस्टी पिस्ता आइसक्रीम, वो भी घर में। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और आप भी घर में बनाइए मार्केट जैसी सॉफ्ट आइसक्रीम। एक भगोना लीजिए, इसमें डाल दीजिए मिल्क पाउडर, इसमें ही डाल दीजिए लो फैट मिल्क और चीनी, इसमें ही डाल देना है 1.5 टेबल स्पून GMS पाउडर और 1 टीस्पून CMC पाउडर। ये दोनों भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसी दूध में कॉर्नफ्लोर भी डाल दीजिए, कॉर्नफ्लोर भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब इन्हें मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारूट पाउडर भी डाल सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स हो जाने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दीजिए। लगातार चलाते हुए एक उबाल आने दीजिए। जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेना है और फ्लेम को बंद कर देना है। 2 से 3 मिनट में ये थिक हो जाएगा, साथ ही कुक भी हो जाएगा। 3 मिनट बाद फ्लेम को बंद कर दीजिए और बैटर को ठंडा होने दीजिए। जैसे ही बैटर ठंडा हो जाए एक एयर टाइट कंटेनर में इसे पलट दीजिए और ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। अच्छे से सेट हो जाने के बाद इसे फ्रीज़र से निकाल लीजिए और थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। अभी बहुत हार्ड है। जब तक आइसक्रीम बेस थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ रहा है पिस्ते को ग्राइंड कर लेना है। पिस्ता आप अपने पसंद के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा ले सकते हैं, पर इसे इस तरह का दरदरा ही ग्राइंड करना है। साथ ही 1 कप ले लेना है लो फैट फ्रेश क्रीम या फिर 1 कप घर की मलाई। 5 से 7 मिनट में आइसक्रीम बेस सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं जिससे हमें ग्राइंड करने में बहुत आसानी होगी। आइसक्रीम बेस को इस तरह के छोटे पीसेस में कट करना है और अब डाल देना है बड़े वाले मिक्सर जार में। अगर आपके पास जो भी बड़ा है उसमें ही डालिए या फिर आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसे बीट कर सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए वेनिला या फिर मिक्स फ्रूट एसेंस। मैं मिक्स फ्रूट एसेंस यूज़ कर रही हूँ, मुझे मिक्स फ्रूट एसेंस बहुत पसंद है। अब इसमें डाल दीजिए लो फैट क्रीम, साथ ही डाल दीजिए 2 to 3 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर। जार का ढक्कन बंद कीजिए और इसे फेंट लीजिए। फेंटते समय एक बात का ध्यान रखना है, हमें जार थोड़ा सा ऊपर से खुला रखना है। अगर हम इसे खुला रखेंगे तो ही इसमें एयर जाएंगे। अगर हमने पूरा अच्छे तरीके से टाइट बंद कर दिया तो इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगी और ये क्वांटिटी में डबल नहीं हो पाएगा। और एक बात का ध्यान रखें, जब हम इसे फेंट रहे हैं तो लगातार हमें 1 से 2 मिनट तक नहीं फेंटना है, बंद करना है, चलाना है और बंद करना है, इसी तरह से फेंटना है। अगर आप इसे इस तरह से फेंटेंगे तो ये क्वांटिटी में और ज़्यादा बढ़ते जाता है। आप देख सकते हैं ये कितना कम था और अभी कितना ज़्यादा हो गया है। जार के ऊपर का छोटा वाला ढक्कन मैंने निकाल दिया था एयर जाने के लिए। नेक्स्ट टाइम आप जब भी आइसक्रीम बनाएं इस टिप को ज़रूर याद करें। 2 से 3 मिनट तक फेंट लेने के बाद आइसक्रीम बैटर रेडी हो गया है। अब इसे एयर टाइट कंटेनर में पलट दीजिए। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे दरदरा ग्राइंड किया हुआ पिस्ता। पिस्ता डालिए, चम्मच से ऊपर से नीचे तक मिला दीजिए। उसके बाद ढक्कन को बंद कीजिए ओवरनाइट के लिए या फिर 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। इतनी देर में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इतनी सॉफ्ट और टेस्टी आइसक्रीम के लिए और कुछ टिप्स के लिए लाइक तो बनता है, साथ ही इस रेसिपी की लिंक को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह का सेट हो जाने के बाद फ्रीज़र में से निकालिए और सर्व कीजिए सॉफ्ट टेस्टी पिस्ता आइसक्रीम। अब आप भी घर में बिल्कुल मार्केट जैसी सॉफ्ट आइसक्रीम बना सकते हैं। आप चाहें तो अब इसे ऊपर से गार्निश कर सकते हैं पिस्ता से। अब आप भी घर में बिना किसी मशीन के सॉफ्ट आइसक्रीम बना सकते हैं, बच्चों को और बड़ों को खिला सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि आप इसे कब बना रहे हैं, साथ ही और कौन सी आइसक्रीम की रेसिपी आप लोग देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइए। और अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको रेसिपी अपलोड का मैसेज सबसे पहले आ जाएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।